भी जन्मदिन है, किस तरह का उत्साह है यहाँ? आज जैसे 22वां वर्धापन दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी इनके यहाँ पे ऑफिस में भी हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, और अच्छा कहीं ना कहीं अच्छा महसूस हो रहा है कि राष्ट्रवादी के लोग एकजुट होके काम कर रहे हैं। लाडले मित्र मीरा भाईंदर के श्री संतोष भाई पेंडुलकर को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है लोगों के लिए, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं मीरा भाईंदर में, वैसे ही काम करते रहे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और काफ़ी अच्छा काम करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज संतोष भाई का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे शुभकामनाएं जी? हमारे मीरा भाईंदर के सबसे लोकप्रिय नेता, सबके लाड़के और सबके दिलों में रहने वाले, मतलब सारे लोग इनको इतना चाहते हैं यहाँ पर, तो लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन भी देखिए आप, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 22 साल हो गए, और हमारे पेंडुलकर साहब को भी देखिए, वो सेम डे ही आया उनका, तो ये को इंसिडेंट नहीं हो सकता है, नसीब वाले हैं। अब कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर एकदम कट्टर राष्ट्रवादी, तो टाइम देखो कैसे मिला इनका। सबसे पहले तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस का स्थापना दिन है 22वां, उसके लिए सबको हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ, सब राष्ट्रवादी कार्यकर्ता को, और अपने संतोष दादा, ये इतने सपोर्टिव है हर एक युवा पीढ़ी के लिए, मतलब बोलते हैं ना, खड़े रहते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो और आज इनका जन्मदिन है, उसके लिए मैं बहुत हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ, और ऐसे ही हम युवा के लिए आप खड़े रहते रहिए, और हमको आपका साथ चाहिए, आपकी गाइडेंस गाइड करो हमको, और ऐसे ही हम आगे बढ़े और राष्ट्रवादी कांग्रेस को आने वाले इलेक्शन में हम अच्छी से अच्छी सीट लेके आए हमारे युवा की तरफ से, ऐसा मैं उनको एक सपोर्ट चाहिए ऐसा बोलता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे संतोष भाई का जन्मदिन, किस तरह का उनको शुभकामना देना चाहेंगे? थैंक यू मच। मैं सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय इतनी ज़ोरदार मूसलधार बारिश में आकर यहाँ पर संतोष पेंडुलकर के ऑफिस में आए। आज हिंदुस्तान के लिए दोहरी खुशी की खबर है, आज के 22 साल पूरे हो गए राष्ट्रवादी कांग्रेस की, जो 1999 में शरद पवार जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस पार्टी का निर्माण किया था, और साथ ही साथ आज हमारे मीरा भाईंदर के एक तड़पदार और एक मझे हुए सुलझे हुए एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है जिनकी राजनीति में, संतोष पेंडुलकर का जन्मदिन है, तो ये हिंदुस्तान के लिए और मीरा भाईंदर के शहर के वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आज दोहरी खुशी का माहौल है। संतोष भाई का जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? संतोष, माननीय संतोष पेंडुलकर साहब हे आमचे सर्वांचे मीरा भाईंदर मध्ये लाडके नेते आहेत, आमच्या पक्षाचे ते इतके लाडके नेते आहेत की आज बघा तुम्ही, त्यांचा जन्मदिन हा दिवस माहिती पडला तर कालपासून लोकांचे नुसते व्हॉट्सअपवर त्यांना अभिनंदनाचं वर्षाव चाललं आहे, आणि आज त्यांनी फक्त एक कार्यक्रम आहे, आता बघा लोकांची रीघ लागली आहे, तर ते कारण का ते दयावान परत दानशूर असे आहेत, त्यामुळे त्यांना माझ्याकडून आणि माझ्या वतीने माझ्या कुटुंबाकडून त्यांना वाढदिवसाच्या भरपूर शुभेच्छा। पहिले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 22वा वर्धापन दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा, आणि साहेबांबद्दल बोलायचं झालं तर एक मीरा भाईंदरला राष्ट्रवादीतर्फे असा नेता लाभलेला आहे की सर्वांसाठी खंबीर नेतृत्व, स्त्रियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणारं, समजून सांगणारं, गुरुवर्य पूजनीय जे म्हणतात ते यांनाच म्हणतात, संजय पेंडुलकर, संतोष पेंडुलकर साहेबांना। तर पेंडुलकर साहेबांना जन्मदिवसाच्या त्यांच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, खूप खूप शुभेच्छा, त्यांना यापुढे त्यांची प्रगतीच हो अधोगती। संतोष पेंडुलकरजी का आज जन्मदिन आहे, वो जन्मदिन के बोलने के शब्द ही नहीं है, ऐसी व्यक्ति किसको मिले, ये तो सब अपने मीरा भाईंदर ही नहीं, कोई भी जनता कभी भी आधी रात को बोलो दिन में बोलो, वो सबको हेल्प करते, और इसी अवसर पर मैं संतोष जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। पहले तो राष्ट्रवादी की 22वें वर्धापन दिवस के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा प्रकट करता हूँ मैं अपनी तरफ से, और संतोष भाई के बर्थडे के लिए हमारा सबसे बेस्ट नेतृत्व करने वाले मीरा भाईंदर में, और सबसे बेस्ट आज तक का जिला अध्यक्ष हमारे लिए, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत उनको
बर्थडे की सुबह। जोश तो है ही, सवाल ही नहीं है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने एक छोटा सा वृक्ष लगाया था। आज ये वृक्ष वटवृक्ष जैसे पूरा देश भर फैला जाता है, तभी एक आनंद होता है। और एक आज महाराष्ट्र में सत्ता भी आदरणीय पवार साहब ने लाके दिखाई है। इसके पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी, आज महाविकास आघाड़ी की सत्ता है। और आज ये 23वां साल चल रहा है, एक आनंद हो रहा है मुझे इतना कि योगा योग ऐसा है कि हरे के नसीब में होता नहीं है। ये आज मेरा भी जन्मदिन है और पार्टी का भी 22 साल पूरे होके 23 साल में पदार्पण कर रहे आगे। मैं पार्टी की ओर से इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रीय लेवल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम अच्छा चल रहा है। महाराष्ट्र में आज आघाड़ी सरकार है, मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन 15 साल मीरा भाईंदर में सत्ता में रहे हुए। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर ये देश में महाराष्ट्र में बोलो मुंबई मीरा भाईंदर में अगर काम नहीं करती तो लोग स्वीकारते नहीं थे, इतना साल से सत्ते में रहते नहीं थे। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, आम जनता ने लोगों ने स्वीकारा हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। इसके लिए मीरा भाईंदर में 15 साल सत्ता थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। आज हमारा भले एक ही नगर सेवक नहीं है वहाँ पे, लेकिन आने वाले 2022 में हम सत्ता में दिखेंगे वहाँ पे। आने वाले 2022 में हमें विश्वास है जो आज का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो घोड़ दौड़ है महाराष्ट्र में, जो काम चल रहा है आज महाविकास आघाड़ी का, उसका कहा ना कहा फायदा मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। ये मैं छाती टोक आप लोगों को बोलूँगा आज के ये वर्धापन दिन के अवसर पर। वर्धापन दिन साजरा करते टाइम आनंद होता है, क्योंकि जैसा बर्थडे वैसा ही पार्टी का भी बर्थडे है। यही आज मेरे बर्थडे के शुभ अवसर पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्धापन दिन के शुभ अवसर पर मैं इन लोगों को इतना ही आश्वासन देता हूँ, जिंदगी भर मैं ये मेरे कार्यकर्ताओं का ऋणी रहूँगा। मैं ऋणी इसके लिए रहूँगा क्योंकि जो मेरे कार्यकर्ताओं के पास किसी को भी एक पद की लालच रहती है, लेकिन पद का लालच न रखते हुए ये लोगों ने आज तक मेरे साथ रहा हुआ है। नहीं कुछ भी हुआ तो भी मैं पेंड्रुकर के साथ ही हम रहेंगे करके। पेंड्रुकर ने बुरे टाइम पे जो 2017 में जो भोगा है, मेरे पदाधिकारी ने भोगा है, मेरे कार्यकर्ता ने जो भोगा है, उस टाइम 2017 में कोई राष्ट्रवादी का झंडा लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यही मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ता मेरे साथ लास्ट तक रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से बढ़ाया हुआ है, अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है। जीरो जो पार्टी थी वो आज हर एक किसी को भी आप पूछ लीजिए, कोई भी राजकीय पार्टी को पूछ लीजिए आप है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले दिख रही थी कि आज दिख रही थी। बस बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो पार्टी के लेवल में मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जो आज कार्यक्रम लेके वर्धापन दिन अच्छी तरह से साजरा किया, यहाँ पे कार्यालय में बर्थडे मेरा यहाँ पे कार्यालय में साजरा कर रहे, इसके लिए मैं तहे दिल से मेरे पेंडुलकर परिवार की तरफ से मैं इन लोगों का सभी का शुक्रगुजार हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।